हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 25 और 26 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज सेट द टारगेट टू अचीव 1 बिलियन टन्स प्रोडक्शन ऑफ कोल बाय विच ईयर। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2023 से लेके 2024 तक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। द थर्ड यूनिट ऑफ द काकरापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कैप 3 इज इंडियाज फर्स्ट 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इट इज बेस्ड इन विच स्टेट। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट ऑफ द इंडियन नेवी हैज रिसेंटली बीन कमीशन्ड इन विच स्टेट। यानी भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र हाल ही में किस राज्य में चालू किया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। द डीआरडीओ हैज रिसेंटली सेट अप अ कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च दिहार। वेयर इज दिहार लोकेटेड। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गैंगटॉक, मुन्नार, शिमला या फिर लेह। तो इसका सही जवाब होगा दिहार, लेह में स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। नेम द फर्स्ट एवर इंडियन पोर्ट विच हैज रिसेंटली साइंड द कमिटमेंट लेटर टू साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव, दैट मीन्स SBTI। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज इनिशिएटेड अ ट्री प्लांटेशन कैंपेन वृक्षारोपण अभियान अंडर विच सीडलिंग्स वर प्लांटेड एट मोर देन 130 लोकेशंस इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 10 स्टेट्स। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो यहां पर आपको बताना है कोयला मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री कौन है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल या फिर महेंद्रनाथ पांडे और लास्ट ऑप्शन है रामकृष्णा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रहलाद जोशी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। द कोविड-19 लॉ लैब इनिशिएटिव हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय WHO टू प्रोवाइड अ डेटाबेस ऑफ लॉज दैट मेंबर कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड इन रेस्पॉन्स टू द पेंडेमिक। द इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय WHO इन कोलेबोरेशन विद विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला ऑप्शन UNDP, दूसरा UNAIDS, थर्ड ऑप्शन ओनील इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ लॉ एट जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी और आखिरी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे के सारे करेक्ट हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की। रिस्टार्ट इंडिया इज मेंटरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड टू हेल्प द MSP सेक्टर इन रीस्टार्टिंग बिजनेसेस इन इंडिया। द प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है रीस्टार्ट इंडिया, किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला है टाटा कैपिटल, दूसरा बजाज फिनसर्व और तीसरा है चोलामंडलम फाइनेंस और आखिरी है मुठुट फिनकॉर्प। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुठुट फिनकॉर्प। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की। द नेशनल सोलर मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अचीव द टारगेट ऑफ 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय विच ईयर। तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 2021, 2022, 2023 या फिर 2024। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2022। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC के नवनियुक्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD का नाम आपको यहां पर बताना है।
तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एन विजेंद्र कुमार, सुमित देव, तीसरा है अमिताभ मुखर्जी और आखिरी है पी के सत्यपति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुमित देव। क्वेश्चन नंबर 11। डीबीएस बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या होगी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, -6%, -5%, -7%, -4%, यानी कि कितना परसेंट इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, -6%। क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश चंद्र कंडपाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच कंपनी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, SBI जनरल इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे मानवता के लिए उद्घाटन गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्रेटा थुनबर्ग, मलाला यूसुफजई, एमा वॉटसन या फिर नाडिया मुराद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रेटा थनबर्ग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द प्रवासी रोजगार ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ दीज सेलिब्रिटीज फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स? तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सोनू सूद, विराट कोहली, शाहरुख खान या फिर मुकेश अंबानी। तो इसका सही जवाब होगा सोनू सूद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ द यूनियन इंटरनेशनल डैश कैमींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज UIC? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अरुण कुमार, गुरचरण दास, विवेक देवरॉय या फिर KM चंद्रशेखर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। DRDO ने हाल ही में ITR चांदीपुर में अपने हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल हेलिना का प्रत्यक्ष और शीर्ष हमला मोड में जमीनी परीक्षण किया। इस मिसाइल को क्या नाम दिया गया है? तो पहला है शिवास्त्र, दूसरा है रुद्रास्त्र, तीसरा है ब्रह्मास्त्र और आखिरी है ध्रुवास्त्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ध्रुवास्त्र। क्वेश्चन नंबर 17। निकारगुआ हैज साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इट इज द डैश कंट्री टू साइन द एग्रीमेंट? तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 91, 72, 87 या फिर 48। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 87। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। राहुल बजाज हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज द चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड, हु विल टेक ओवर एज द न्यू हेड ऑफ द कंपनी? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, शिशिर बजाज, आनंद बजाज, राजीव बजाज या फिर संजीव बजाज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संजीव बजाज। क्वेश्चन नंबर 19। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया ऑन डैश, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 24 जुलाई, 23 जुलाई, 21 जुलाई या फिर 22 जुलाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 23 जुलाई। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी सवाल की। चाइना हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्रोब अंडर इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोब? तो यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, टियानवेन 1, यिंगू 1, चेंग ई 1 या फिर जेंग ही 1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टियानवेन 1। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।